और ऐसे ही एक फूल सा चेहरा, हसीनो जमील चेहरा। हिंदुस्तान की फिल्मी सनत हमेशा उसे याद रखेगी। आज उनका यौम पैदाइश है, यानी मधुबाला की हम बात कर रहे हैं। मुमताज जहां जी बेगम हिंदुस्तानी फिल्म सनत, बिल्कुल सही कहा आपने। मोनालिसा बॉलीवुड वो कहलाती थी। मार्लिन मुनरो से उनको तशबीह दी जाती थी और उनको ये भी कहा जाता था ब्यूटी विद ट्रेजेडी और वीनस क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता था। नो डाउट, ये सारे जितने भी अलकाब उनके साथ नाम से जुड़े हुए हैं बिल्कुल सही हैं। जी बिल्कुल सही, मुकम्मल खूबसूरती का पैकर हाँ। थी मधु बाला बिल्कुल। और दिल्ली में आप पैदा हुई थी 14 फरवरी 1933 को। अच्छा जी हाँ। और फिल्मी का अगर करियर की बात की जाए तो सिर्फ 14 साल की उम्र थी जिस वक्त उन्होंने फिल्मी करियर का आगाज किया था, और 9 साल की बल्कि, और वो फिल्म थी बसंत। और उसके बाद जब 14 साल की उम्र में नीलकमल फिल्म में वो राज कपूर के मध्य मुकाबिल थी, और तकरीबन 22 साल तक मोहित रहा उनका फिल्मी करियर, और जिसमें तकरीबन 75 के आसपास उन्होंने फिल्मों में अदाकारी अंजाम दी। अब फिल्मों की अगर बात की जाए तो जनाब सभी जानते हैं महल अमर, मिस्टर मिसेस 55, चलती का नाम गाड़ी, बरसात, मुगले आजम को कौन भूल सकता है। उसमें तो एक ऐसा उन्होंने किरदार किया जो एक मिसाल बन गया है जी जी, और आने वाली नस्लें तक उसको याद रखेंगी। जब जब मुगले आजम की बात की जाएगी तो मधुबाला को कौन भूल सकता है, बल्कि ये कहा जाए कि अनारकली को लोगों ने मधुबाला के जरिए ही जाना है। बेशक बेशक, हालांकि अनारकली और भी फिल्म बनी है, बहुत सारे रोल अलग अलग लड़कियों ने, बहुत सी हीरोइंस ने प्ले किए, लेकिन जो बात मधुबाला की है जी वो तो वाकई में कहीं और नजर नहीं आती। और किशोर दा की उनके साथ जोड़ी, जो किशोर दा की बड़ी जमती थी, चाहे उसमें चलती का नाम गाड़ी का नाम लिया जाए या फिर झुमरू या फिर हाफ टिकट का जिक्र किया जाए। तो हमारी जानिब से इस हसीन और जमील खूबसूरत अदाकारा को खिराजे अकीदत है। और नगमे आप सुनेंगे 12:30 पर, दो गाने मतलब उनके जी।